हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ जूरी लॉ अकेडमी लास्ट वीडियो में हमने क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था हमने उसके लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन देखा था हमने दो पार्ट्स में उस वीडियो को देखा दो पार्ट्स में उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया अब हमें करना है 2023 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज इसको भी हम पार्ट्स में करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको समझना और हर क्वेश्चन के ऑप्शन को समझना कि ये ऑप्शन क्यों आंसर नहीं होगा और क्यों आंसर होगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम पार्ट्स में हमारे हर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे ठीक है तो इस क्वेश्चन पेपर में हम हमारा फर्स्ट पैसेज देखते हैं आप लोगों को हमेशा की तरह क्या करना है वीडियो को पॉज करना है पैसेज को पढ़ना है पैसेज को समझना है वन गो में जितना आपको समझ आता है उसके बाद आपको अपने सभी के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसके बाद ही आपको एक्सप्लेनेशन सुननी है उसके बाद ही आपको चेक करना है कि आपके आंसर सही थे या नहीं थे ठीक है और अगर आपके आंसर सही थे तो क्या आपने सही लॉजिक लगा के वो आंसर किया था या सिर्फ आपने तुक्का मारा था या फिर आपने गलत लॉजिक लगाकर वो आंसर सही कर दिया था ठीक है लॉजिक सही है ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम सही पढ़ रहे हैं हमने सही दिमाग लगा के सही क्रिटिकली थिंक करके हमने आंसर ठीक किया है है नहीं ठीक हम लास्ट की दो वीडियोस में दोनों बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के जैसे अजोम्शन कंफ्लूजन इंफ्रेंस स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्ग्यूमेंट ये सब क्या होते हैं प्रीमाइज क्या होता है क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं तो ये सब हम देख चुके हैं पहले ठीक है तो अगर इन इन टर्म्स में किसी को कोई डाउट है तो पहले आप बेसिक लेक्चर से हमारे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का जब हमने क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था तो उसके स्टार्टिंग में समझा था तो पहले वो पढ़े उसके बाद ही आप एक बार क्वेश्चन करना ट्राई करें तो हमारा फर्स्ट पैसेज देखते हैं हम ये बोल रहे हैं द डेप्रिसिएशन ऑफ एन इकोनोमी करेंसी इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन इट ठीक है Uh, की एक किसी भी की करेंसी अगर हो रही है तो अपने आप में कोई कंसर्न की कोई चिंताजनक विषय नहीं है क्योंकि डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन करेंसी की वैल्यू में होती रहती है ठीक है द डिक्लाइन इन वैल्यू अगेंस्ट मेजर करेंसी हैज टू बी व्यूड विद अ सेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कोई अगर वैल्यू जो करेंसी की वैल्यू वो डिक्लाइन हो रही है उसको हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ठीक है जो इंटरनेशनल एक, एक तरह से फैक्टर्स है उनके साथ देखना चाहिए द रिसेंट डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रूपी इज अ केस इन पॉइंट जो हमारा इंडियन रूपी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पैसेज है ये द टेलीग्राम से लिया गया है ठीक है जो हमारे इंडियन रुपी में डिक्लाइन हो रहा है उस टाइम रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी तो उस टाइम का पैसेज जाइए वो इसी चीज से रिलेट करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हमारा डिक्लाइन हो रहा है द रुपी हैज बिन डेप्रिशिएटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत टाइम से हमारे इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता जा रहा है व्हाट आर ऑफ कंसर्न नाउ आर द रेट एट विच द डेप्रिसिएशन इज अकरिंग एंड द अंडरलाइंग फैक्टर्स कॉजिंग द चेंज चिंता का विषय क्या है चिंता का विषय ये नहीं है कि रुपी की वैल्यू कम हो रही है चिंता का विषय ये है कि, कि किस रेट पर अभी हो रही है ठीक है हो तो ये काफी टाइम से हमारा रूपी की वैल्यू कम हो रही है बट अब रेट बढ़ चुका है इसका और इसके क्या फैक्टर्स हैं अब उन चीजों पे अभी हमें ध्यान देना चाहिए ठीक है द रशिया यूक्रेन वॉर हैज डिस्ट्रप्टेड सप्लाई चेंज कॉजिंग कम्यूडिटी प्राइस टू राइस इस वॉर की वजह से जो सप्लाई चेंज है इंटरनेशनल कम्यूडिटी में कोई किसी से यूक्रेन से बीट लेता था रशिया से ऑयल लेता था वो सारे सप्लाई चेन्स भी क्या हो गई है डिस्टर्ब हो गई है जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइजेस क्या हो गए इंक्रीज हो गए मतलब डोमेस्टिक डोमेस्टिक स्पेयर में जो चीज़ों के दाम है वो बढ़ गए लीडिंग टू वर्ल्ड वाइड हार्डनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स जिस वजह से पूरी दुनिया में क्या हो गई है महंगाई बढ़ गई है इन्फ्लेशन हो गई दिस इन टर्न हैव हैज़ कॉस्ड मेजर सेंट्रल बैंक्स टू रेज इंटरेस्ट रेट इसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक होते हैं हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है जैसे इंडिया का आर है ठीक है तो सेंट्रल बैंक्स ने अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ा दी है फोर्सिंग इन्वेस्टर्स बैक्स टू सेफ हेवन टू द यूएस डॉलर जिसकी वजह से जिन भी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया हुआ था बैंक्स में उन्होंने अपना पैसा को निकाल लिया है और उन्होंने कहाँ पे फिर से यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया है फॉर इंडिया दीज हेडवि फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी हैव कॉज टेबर प्रॉब्लम इंडिया के केस में इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर रही है जैसे कि द राइज इन इंटरनेशनल प्राइजेस इंटरनेशनल प्राइजेस बढ़ गया है स्पेशली ऑयल का प्राइस बढ़ गया है इंपोर्ट अब जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ता है और हम उसे खरीद रहे हैं तो हमारा जो इम्पोर्ट है यानी चीजें खरीदने का खर्चा है वो भी बढ़ गया है एंड है इस अ ग्रेटर डिमांड फॉर डॉलर अब हमें जो भी इंटरनेशनल आप सबको ये चीज पता होगी इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है तो वो मोस्टली डॉलर्स में होता है तो अगर हमें किसी कंट्री से कुछ लेना है या हमें उनको कोई सामान बेचना है तो हम उनसे लेंगे और डॉलर्स में पैसे देंगे उनको और उनसे अगर वो हमसे कुछ लेंगे तो वो भी हमें डॉलर्स में पे करेंगे ठीक है एक तरह से एक्सचेंज मनी होती है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है जो डॉलर ठीक है तो अब हमें बाहर से एक सेम चीज बढ़े हुए प्राइजेस पर लेनी पड़ रही है तो हमें ज्यादा डॉलर चाहिए

और कहा लग रही है डेवलप्ड कंट्री में लग रही है एग्रावेटिंग राइजिंग इंपोर्ट बिल जिस वजह से डॉलर्स की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि पहले ही हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है और अब हमारी इन्वेस्टमेंट भी बाहर जा रही है बाय बी ट्वेंटी टू फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैड पुल्ड आउट लाख करोड़ फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स ये एक उन्होंने क्या दिया है फैक्ट दिया है

ऑफ डॉलर इन मार्केट टू ई सप्लाई सिचुएशन एक तरीका आर का क्या हो सकता है कि वो जिस जो भी उसके पास डॉलर के स्टॉक्स हैं उनको क्या करें बेचना शुरू कर दे ताकि मार्केट में डॉलर की क्या अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाए और उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाए जो भी चीज ज्यादा अवेलेबल हो जाती है उसकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाती है हाउ बट इसकी कमी क्या है दिस वुड बी to sell uh, sorry however this would mean that while the the value of the rupee could be contained the nation's foreign exchange kitty would start to erode further हालांकि इससे ये तो होगा कि डॉलर का अगर हमारे इंडिया सेल करने लग जाएगा डॉलर को मार्केट में डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई उसकी जो डिमांड है कम होगी उसका रेट थोड़ा कम हो जाएगा तो हमारा इंडियन रूपी एज कम्पेयर टू डॉलर कम डिक्लाइन होगा बट इसका कमी क्या है इसका एक नेगेटिव लूपहोल क्या है इससे जो हमारी किटी है जो हमारा किट है जो हमारा जिसमें हमारी फॉरेन एक्सचेंज है वो ये रोड बुक खत्म होना शुरू हो जाएगा ठीक है पहले डॉलर की कमी और हम बेच देंगे तो बिल्कुल ही हमारा क्या हो जाएगा बुरा हाल हो जाएगा द आरबीआई हैज बिन डूइंग एग्जैक्टली दैट बट आर बी आई क्या करी है यही कर रही है द चैलेंज बिफोर द आर बी आई इज दिस आरबीआई के सामने क्या चैलेंज है हाउ मच टू लेट द रुपीट एप्रिशिएट एंड हाउ मच टू इंटरवीन टू प्रॉफिट प्रॉफिट अप आरबीआई के सामने क्या चैलेंज है कि किस हद तक हम हमारे रुपये की डेप्रेशिएशन होने दें इंटरनेशनल वैल्यू में और किस हद तक हम इंटरवीन करें ताकि हम इसकी वैल्यू को और ऊपर उठा सकें टू मच डेप्रिसिएशन वुड रेस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट्स एज द रुपी प्राइस ऑफ इम्पोर्ट स्पेशली ऑयल वुड रेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अगर रूपये की डेप्रिसिएशन हो गई तो जो डोमेस्टिक डोमेस्टिकली ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी प्राइजेस बढ़ जाएंगे ठीक है जो हमारे इंडिया में ही क्योंकि क्या हो जाएगी प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ती है स्पेशली ऑयल अब बाहर से इम्पोर्टेड सामान ज़्यादा महंगा आ रहा है तो प्रोडक्शन भी महंगी होगी और फिर उनकी कॉस्ट भी महंगी हो जाएंगी डोमेस्टिकली इट वुड ट्रिगर अ राइज इन पॉलिसी कंट्रोल इंटरेस्ट रेट वाली क्लोजली मॉनिटरिंग इन्फ्लेट एक्सपेक्टेशन द बिगेस्ट चैलेंज इज टू नेविगेट अनप्रडिक्टेबल इंटरनेशनल इकनॉमिक स्टॉक्स इन द न्यूयर फ्यूचर क्योंकि आगे जाके भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टॉक्स हमें मिल सकते हैं इंडियन इकोमिक हेल्थ इज नॉट एटविथ बेस्ट एक्सपोर्ट्स में नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग रुपीज सिंस वो बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स से भी जैसे हमारा क्या हो रहा है एक्सपोर्ट्स में नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग रूपी जैसे हमारे इंडियन रुपी की प्राइस कम हो रही है ठीक है तो रुपी की कम हो रही है तो, तो जो फॉरेन कंट्रीज है उनको लगेगा कि अभी रूपी की वैल्यू कम है तो हम ज्यादा इनसे सामान मंगवा लेते हैं मतलब हमारे एक्सपोर्ट शर्ट बढ़ सकते थे बट ऑथर क्या बोल रहा है कि एक्सपोर्ट का भी एक्सपोर्ट्स को भी फॉलिंग रूपी का कोई एडवांटेज नहीं होगा क्योंकि जो इंटरनेशनल डिमांड है वो स्टेग्नेट मतलब रुक सी गई है एक तरीके से बाहर से डिमांड ही नहीं हो रही तो हमारा एक्सपोर्ट भी इस चीज के कोई आ, फायदा नहीं हो रहा हमें And are India की और आरबीआई के पास एक डिफिकल्ट की वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे या फिर हम अपनी ग्रोथ को बढ़ाए और जो रुपी गिर रहा है उसको स्टेबिलाईज करें विदाउट सिवरेज डिमिनिशिंग द इकोनॉमी फॉरन एक्सचेंज के टी आरबीआई के सामने क्या है या तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती है डॉल्स को सेल करके ठीक है या फिर वो क्या करे अपनी ग्रोथ के तरफ सोचे और रुपी को बिना हमारी फॉरेन एक्सचेंज को खर्च के उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करे ये था हमारा पैसेज आई होप आपको पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा पैसेज हमारा इजी था और क्वेश्चन भी अब हमारे ईजी ही होंगे क्योंकि पैसेज समझ आ गया तो क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं आएगी देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स विच ऑफ द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विद ऑथर इन बातों में से किससे अग्री करेगा अब हमें ऑथर के ऑथर ने जो आर्गूमेंट दिया उसके सिमिलर ही हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है मतलब इट इज कॉज ऑफ फॉर कंसर्न इफ एन करेंसी नहीं नहीं इस चीज से ऑथर एग्री करता क्योंकि हमें पहली लाइन में ऑथर ने क्या बोल दिया द डेप्रिसिएशन ऑफ एन इकोनॉमी करेंसी इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन इट अपने आप में नहीं है क्योंकि होती रहती है इकोनॉमी में हाँ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ अगर हम देखें तो ये कंसर्न का विषय है आगे देखते हैं ऑप्शन बी करेंसी डेप्रिशिएशन इज नॉट अ रीजन फॉर वरी बट इफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर नॉट गुड देयर मेंज फॉर कंसर्न ये ही ऑथर क्या कह रहा था बात कर रहा था ये हमारा ऑप्शन हो सकता है आगे भी देख लेते हैं सी डी क्या कह रहे हैं बी सी फैक्ट दैट द इंडियन रुपीज वि डिक्लाइन इन वैल्यू अगेंस्ट मेजर करेंसी इज वेरी वरीसम ये भी सेम ए वाली बात ही बोल रहे हैं कि इंडियन रुपी की डिक्लाइन हो रहा है डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वरीसम है नहीं ऐसा नहीं है इन इट ये कोई बड़ी का कॉज नहीं है हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी खराब जा रहे हैं हमारे फेवर में नहीं जा रहे तो कंसर्न का विषय है सेंट्रल बैंक टू इन इट्स पावर टू स्टेड द स्लाइटेस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ एन इकोनॉमिक करेंसी ये भी हमारा गलत क्या है क्योंकि वर्ड हाँ, आ गया दिस द्लाइटेस्ट डेप्रिसिएशन ये ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हल्का सा भी अगर कमी हो जाए ना डिक्लाइन हो जाए वैल्यू में तो उस देश के सेंट्रल बैंक को सब कुछ कर देना चाहिए उस चीज को रोकने के लिए बट ऑथर क्या बोल रहे हैं इट इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन करेंसी की वैल्यू होती रहती है तो ज़ीरो सिक्स होगा अगर ऑथर के आर्ग्यूमेंट हम देखें तो इनमें से कौन सा अगर ट्रू होगा तो जो वैल्यू है रुपी की वो डिक्लाइन होना कम हो जाएगी ठीक है पढ़ते हैं हमारा ऑप्शन ए अपॉइंटिंग न्यू गवर्नर फॉर आरबीआई

अगर डेवलप्ड कंट्री मार्केट्स अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दे तो जो इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट जा रही है वो कम हो जाएगी जाना अगर इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट जाना कम हो जाएगी तो इंडिया के डॉलर्स बचे रहेंगे इंडिया के पास ही और अगर इंडिया के पास ज्यादा डॉलर्स बचे रहेंगे तो इंडियन रुपी की वैल्यू एज कम्पेयर टू डॉलर क्या होगी कम रिड्यूस होगी ठीक है डी द आरबीआई बाइंग एज मेनी डॉलर एज पॉसिबल ये तो बिल्कुल ही अपॉजिट है ठीक है बल्कि पैसेज में तो हमें क्या कहा था पैसेज में हमें ये कहा था देखो कि आरबीआई एक चीज कर सकती है वो क्या करे वो सेल ऑफ कर दे टू तो सेल ऑफ सेल ऑफ कर दे मार्केट में डॉलर ताकि हमारा कम हो जाए डिक्लाइन सी कम डिक्लाइन करने के लिए सेल ऑफ कर दे पर डी ऑप्शन है कि बाय कर ले ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी वेरी इजी नेक्स्ट देखते हैं वन जीरो वुड मोस्ट वीकन दस आर्ग्यूमेंट वीकन हमें बताना है ठीक है मतलब जो ऑथर बोल, हाँ बोल रहा है उसके हमें अपोजिट बोलना है एक तरीके से ऑप्शन ए द इंडियन इकॉनॉमी हैज बीन अफेक्टेड बाय ग्लोबल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स एंड द इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन डेवलप्ड कंट्री मार्केट्स ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट हुआ है बाय ग्लोबल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स एंड द इंक्रीज ऑफ ठीक बात है ये तो ऑथर ने भी बोला है ये ऑप्शन भी बोल रहा है तो ये वीकेंड तो नहीं कर रहा बी सी डेवलप्ड कंट्री मार्केट है इंटरेस्टेड ग्लोबल इन्वेस्टर ये भी ऑथर ने बोला है कि तो ये भी वीकेंड नहीं कर रहा सी एज द डिमांड फॉर द यूएस डॉलर इंक्रीज इट इज द रुपी प्राइस ऑफ द डॉलर रेट इंक्रीज सब्सटैशियल ये भी ऑथर ने बोला है ये भी इसको वीक नहीं कर रहा पढ़ लेना पैसेज में गिर रहा यहाँ पर कि ये क्या हो जाएगी रुपी प्राइस डॉलर वुड इंक्रीज सब्सटैंशियली सेकेंड पैसेज सेकंड लाइन डी ऑप्शन था इंडियन इकॉनॉमी एंड करेंसी आर हाईली प्रोटेक्टेड एंड हैव बीन इंसुलेटेड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स एंड इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन डेवलप्ड कंट्री मार्केट डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इंडियन इकॉनॉमी तो इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड है इंडियन करेंसी इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड है इतनी ज्यादा इंसुलेटेड है कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दुनिया में कुछ भी हो जाए इंडियन करेंसी पे तो फर्क ही नहीं पड़ता है चाहे कितने मर्जी डेवलप्ड कंट्री अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा ले इंडियन इकोनमी में फिर पड़ेगा तो ये ऑथर के बिल्कुल अपोजिट है तो ये ऑथर के स्टेटमेंट को वीकन कर रही है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन विच आर द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट फॉर वाई इंडियन एक्सपोर्ट्स में नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ अ फॉलिंग रूपी यही पूछ रहा है जो हमने यहाँ एक्सपोर्ट्स के लिए पढ़ा था कि एक्सपोर्ट्स भी क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो थर ने बोला कि एक्सपोर्ट्स को भी एडवांटेज मिलेगी तो उसको स्ट्रेंथन क्या करेगा ठीक है देखते हैं ऑप्शन ये बोल रहे हैं अ स्लो डाउन एंड इन सच इकोनॉमीज डिमांड फॉर डिक्रीजेस डिक्रीजेसटैंशली इकोनॉमीज क्या कर रही करिए uh, सभी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज एक स्लो डाउन विटनेस कर रही है और सच इकोनॉमीज डिमांड फॉर इम्पोर्ट डिक्रीजेस इम्पोर्ट्स की डिमांड क्या हो जाती है कम हो जाती है ठीक है आगे देखते हैं देखो वन जीरो नाइन का ऑप्शन ए हमें क्या बोल रहा है कि अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया की ही इकोनॉमीज क्या हो रही है स्लो डाउन हो रही है ठीक, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो डाउन होने की वजह से हर इकोनॉमी क्या कर रही है इम्पोर्ट कम ही कर रही है तो अगर हर इकोनॉमी इम्पोर्ट कम कर रही है तो हमारा एक्सपोर्ट कैसे ज्यादा हो सकता है और यही ऑथर बोल रहा था कि हमारा एक्सपोर्ट भी ज्यादा नहीं होगा क्यों क्योंकि पूरी जो इम्पोर्ट मार्केट है फॉरन मार्केट स्टेगनेट सी हो गया रुक सी गई है ठीक है तो ये एक तरीके से स्ट्रेंथन कर रहा है आगे देख लेते हैं बी अक्रॉस द वर्ल्ड आर बूमिंग एंड देर इज एन इंक्रीज डिमांड ये अपोजिट है ये वीकन कर रहा है अगर डिमांड इंक्रीज है अगर डिमांड इंक्रीज है तो क्या होना चाहिए तो इम्पोर्ट्स बढ़ने चाहिए डिमांड इंक्रीज है इंपोर्ट्स बढ़ने चाहिए तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने चाहिए ठीक है आई होप आप लोगों को ये बेसिक टर्म्स तो आती होंगी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंटरेस्ट रेट डेवलप्ड क्या कंट्री कौन सी है हमारी इंडिया कैसी कंट्री है ये सब ठीक है सेंट्रल बैंक क्या होता है ठीक है सी अ रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी मोर देन ऑफसेट बाय द इंक्रीज वैल्यू ऑफ डॉलर दैन इंडियन एक्सपोर्ट्स वुड अर्न ये तो एक्सपोर्ट और डॉलर का कंपेरिजन कर रहा है ये हमारे लिए रिलेटेड ही नहीं ऑप्शन

ऑथर के आर्ग्यूमेंट को देखते हुए इनमें से कौन सी चीज हमारी ऑप्शन सही होगा ए द कंटिन्यू ऑफ इंडियन रुपी एट इट्स करेंट रेट कपल्ड विद वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स वुड रिजल्ट इन इमेंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडियन अनरिलेटेड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमारे पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं की गई ठीक है बी इफ नथिंग एल्स इज डन द राइज ऑफ इंडस्ट्रीज इन डेवलप कंट्री मार्केट कपल विद हार्डनिंग ऑफ इन्फ्लेशन ट्रेंड अक्रॉस द वर्ल्ड विल रिजल्ट इन अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रूपी अगेंस्ट डॉलर बिल्कुल ठीक बात है ठीक है वो बोल रहे हैं कि अगर कुछ नहीं किया गया और डेवलप्ड कंट्रीज अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाती रही तो हमारी इंडियन डॉल इंडियन रुपी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू डॉलर सीडी भी देख लेते हैं इफ़ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स कंटिन्यू टू हार्डन एंड इफ, इफ इंटरेस्ट रेट इन कंटिन्यूस टू राइज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर विल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया गलत है वो बोल रहे हैं डेवलप्ड कंट्री में रेट्स बढ़ रहे हैं इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगी बिल्कुल गलत है डी इफ नथिंग वैल्यू ऑफ रूबीस्ट डर भी गलत है वो सी बोल रहा था कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगी डी बोल रहा था कि इंडिया की ही वैल्यू रूबी की इंक्रीज होगी अगर दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ये दोनों तो वैसे ही गलत है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी आगे देखते हैं वन 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 हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का ठीक है विच ऑफ द फोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विद इनमें से ऑथर किससे अग्री करता है इधर आरबीआई मस्ट नॉट फोकसेंटिंग रुपी एज दैट में रिजल्ट इन नेगेटिव इम्पैक्ट इन अदर स्टेट ऑफ द इकोमी बिलकुल सही है हमारा लास्ट पैसेज पढ़ो ठीक है लास्ट पैसेज में भी आर बी आई के पास ही कह रहे हैं दो चॉइस है जैसे तो इन्फ्लेशन को करे वो या फिर ग्रोथ को देखे और रूपी को स्टेबलाइज करे और ऊपर भी क्या बोल रहे हैं कि आर बी आई क्या कर सकती है डॉलर को तो बेच सकती है ठीक है uh, हमारे किसको क्या करने के लिए इंडियन रुपी की वैल्यू डिक्लाइन रिड्यूस करने के लिए बट इससे हमारा जो जो हमारा वो है डॉलर्स का जो हमारा uh, एक तरह से जो हमारे पास स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा हमारा इरोड हो जाएगी एक्सपोर्ट्स के लिए ठीक है बी ऑप्शन कह रहा है आरबीआई में फोकस सोलली ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ मनी एट ऑल सिंस इट इज फार मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर गलत पहले ही लाइन में उत्थर ने क्या बोल दिया था कि डेप्रिसिएशन इट सेल्फ इज नॉट अ कंसर्न ठीक है तो और बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सिर्फ डेप्रिसिएशन पे ही काम करे सी बोल रहा है पीरियोडिक इन्फ्लेशन ट्रेंड्स आर नॉर्मल ठीक है एंड आरबीआई नीड नॉट वरी अबाउट द इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स इन इंडियन इकोनॉमीज बाय डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन होती रहती है और आरबीआई को इसके लिए चिंता ही नहीं करनी चाहिए ये 100% करेक्ट नहीं है ऑथर ने ये नहीं बोला कि बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए ऑथर ने यह बोला कि नॉर्मली होता है बट अगर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हमारे फेवर में नहीं है तो चिंता का विषय है तो ए ऑप्शन हमारा ज्यादा बेटर है सी से डी आरबीआई नीड नॉट डू एनीथिंग टू रिड्यूस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहली लाइन से गलत हो गया बहुत स्ट्रॉगली नेगेटिव है ये तो बोल रहा है कि कुछ ही नहीं करना चाहिए आरबीआई को चाहे जितना मजबूत डेप्रिशिएट होता रहे ठीक है इट सेल्फ कंसर्न का मैटर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा होगा आई होप दिस इज क्लियर ठीक है आज हम यही पैसेज डिस्कस करेंगे ठीक है एक एक पैसेज करके हम आराम से करेंगे आराम से डिस्कस करेंगे अगर नहीं समझ आए एक और बार एक्सप्लेनेशन सुनना अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में ठीक है मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच